एक्सक्यूज मी क्या मैम अरे वो नहीं मैम
आज जो आपने स्क्रीनिंग रखी है खास तौर से कुछ फिल्म मेकर्स हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, आ रहे हैं, क्या क्या कहेंगे उनको कोई खास दिखाने के लिए? नहीं, ये बात यह है कि ये जो बड़ा परिवार है जिसे हम मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, वो एक उत्सुकता रहती है अलग तरह की, जो जब हम अपना नया बनाया डब्बा या हलवा जब शेयर करना होता है तो सबसे पहले जो है हमारे इंडस्ट्री के भाई बहनों के साथ हम शेयर करते हैं। हमारा कुत्ता या बिल्ली होता तो बात अलग थी मेरे भाई, बच्चे अपने ही होते हैं ना, तो इंसानों के ही हैं, इंसानों के बारे में पिक्चर है, तो ऐसा इतना खास मैं मतलब नाप तोलिए मत है, अच्छा है क्योंकि बच्चों के इश्यूज हैं वो मैं टेबल कर रहा हूँ, वो फिल्म द्वारा कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से कोई अगर नहीं कर रहा तो मैं कर रहा हूँ। अमोल सर से, अरे अमोल सर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। ही इज गिवन मी अ रेफरेंस ऑफ शाहरुख खान साहब, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई आइडलाइज हिम, ही इज आई लुक अप टू हिज वर्क। सो ही इज टोल्ड मी कि जब ये कभी यहाँ कभी ना पे थे, ही सॉ हिम एंड नाउ ही सीज मी, सो फॉर मी दैट्स अ वेरी बिग थिंग, ह्यूज ह्यूज। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि जब अमोल गुप्ते का नाम जुड़ता है फिल्म से तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है, मेकिंग स्टाइल के हैं या फिर कहानी या सोच, हम जिसको सब्जेक्ट कहते हैं, आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है अब तक? मैं ये 100% ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ हृदय या दिल शाबूत है वहाँ से बहुत मतलब गंगा नहाने का रिस्पॉन्स मिल रहा है, और ये बड़ी बात है मेरे लिए क्योंकि ये फिल्म तो अब बनी है। 3 दिन पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो ये फिल्म भी इसके अंदर भी इतना सारा मेरे पिताजी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्रिब्यूट की तरह मैं अर्पण कर रहा हूँ। मैंने भी वो फिल्म देखी, मुझे भी वैसा ही लगा जैसा आप रिएक्शन दे रहे हैं। अमोल जी, एक चीज़ और है कि आपकी जो फिल्म का टाइटल है ना, कुछ सपने सोने नहीं देते जी, क्या ये कहें कि बच्चों के जो इश्यूज हैं वो आपको सोने नहीं देते या बच्चों के जज्बात आपको आपने जगाते हैं? आपने बहुत ही दुखती नफ्स पर हाथ रख दिया, और ये अच्छा है कि वो नफ्स जो है दुखती रहे, क्योंकि जब तक वो नफ्स दुखती रहेगी मुझे सोना मंजूर नहीं होगा, और इससे बहुत बहुत सारी चीज़ों का की क्लैरिटी आ सकती है, और ये जब क्लैरिटी आती है तो सिर्फ बच्चों के हवाले होता है सब कुछ। साकिब, आपसे बहुत सारे बच्चों के साथ आपने काम किया, अमोल सर में कोई बच्चा दिखा, बचपन दिखा? मतलब हम सारे ही बच्चे हैं, आई थिंक एट द कोर ऑफ इट वी ऑल किड्स एंड नो वी डोंट वांट टू ग्रो एंड हम जैसे हैं। और आप कह रहे हैं बच्चे, बच्चे बहुत बड़े होते हैं, बहुत सीनियर होते हैं, उनसे बहुत सीखने को मिलता है, और इस पिक्चर पे बहुत सीखा है मैंने अमोल सर से, सारे बच्चों से, मतलब सबसे बड़ा बच्चा मैं हूँ। स्केटिंग जिसकी आप कोच बने, आपने खुद कभी सीखा है क्या? नहीं, बचपन में स्कूल में ज़रूर की है स्केटिंग, बट इस फिल्म के लिए थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश की, बट पूरी अच्छी तरह नहीं कर पाता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कैमरे में कि नहीं अब मैं चैम्पियन बन गया हूँ, बट हाँ स्पोर्ट को समझने की कोशिश की है कि यह क्या खेल है, कैसे खेला जाता है, उसको समझने की कोशिश। एक आखिरी सवाल, फिल्म रिलीज हो रही है, एक्साइटमेंट है या नर्वसनेस? एक्साइटमेंट है, बिकॉज आई थिंक अमोल सर ने एक बहुत खूबसूरत दिल से फिल्म बनाई है, एंड वी वॉन्ट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। हम चाहते हैं आप आइए अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में 9 में एक और एक पिक्चर देखिए, और हम चाहते हैं आप अपना वर्डिक्ट दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।
मैम एक साथ में आई ना मैम मैम आदित्य 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 आदित